हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है न्यूज़ डिस्कशन का है, मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेज डिजिटल राइट्स क्वेश्चन। जो डिजिटल राइट्स होती हैं यानी कि हमारी जो मतलब डिजिटल इंडिया को लेके जो राइट्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको लेके है। तो इसमें सबसे पहले राइट ऑफ चाइनीज कंपनी हैव बीन वायलेटेड बट नॉट यूजर्स, यानी मतलब चाइनीज ऐप जो कंपनीज है उनके राइट्स को वायलेट किया गया लेकिन यूजर्स को नहीं किया गया है। इंटरनेट फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, अगर किसी को लगता है कि इंटरनेट पे वो जो चाहे वो मतलब इस्तेमाल कर सकता है या कोई भी चीज़ ला सकता है तो वो भी नहीं है सर। आप कोई भी चीज़ बिना सर्विलांस के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, टोटली फ्रीडम नहीं है आपके पास। थर्ड, नेशनल सिक्योरिटी इज कंक्रीट ग्राउंड टू ब्लॉक द एप्लीकेशंस। तो बेसिकली जो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि जो 59 ऐप्स जो हाल ही में इंडिया ने बैन किए हैं उसको लेके है। तो 59 ऐप्स बैन क्यों किया गया, तो इसका बेसिक सा रीज़न है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए जो बात आती है वो नेशनल सिक्योरिटी की है, इसलिए हमने इन सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। नेक्स्ट है बिकम अ प्रॉक्सी फॉर अ लार्ज जियोपॉलिटिकल बैटल। तो इंडिया ने ऐसा करके जो प्रॉक्सीज होती हैं यानी बहुत सी हैं ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज जो कि चाइना के अगेंस्ट कुछ करना चाहती थी लेकिन वो कभी कर नहीं पाई, लेकिन जैसे इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन किया धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने देखी। अभी करंट में यूएसए ने बैन किया, कल हमने डिस्कशन किया था D10 करके। तो D10 में क्या था कि 5G टेक्नोलॉजी खुद बिल्ड करने की एक तैयारी है 10 नेशंस की, इसमें G7 और 3 कंट्रीज थे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दिखाता है कि इंडिया के स्टेप के बाद ही सब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एज वेल एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देयर इज अ सर्टेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी बाई गवर्नमेंट हैज टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया चूंकि सिग्नेटरी है ICCPR की और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स की होती है, तो इस चीज़ की सिग्नेटरी यानी किसने इसको साइन किया हुआ है, तो इसलिए इंडिया का एक दायित्व बनता है, ये इनका एक ऑब्लिगेशन बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बेसिक ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के जो राइट्स हैं उसको एक मेंटेन करें। नेक्स्ट है In India, it is very clear that our fundamental right to free speech and expression applies to online content too. Our own Supreme Court has said that. तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो ऑफलाइन ही नहीं, कहने का मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी उस वो चीज़ अप्लाई होता है। नेक्स्ट है लेस इंट्रूसिव मीन्स दैट दैट कुड हैव बीन फॉलोड, कहने का मतलब है कि हमारा राइट तो है लेकिन उसमें कम से कम जो इंट्रूसिव होती है, कहने का मतलब जो उसमें इंटरफेरेंस होता है वो कम से कम हो तो बेहतर होता है। नेक्स्ट द फैक्ट इज दैट दिस सेक्शन 69A हैज अ लिमिटेड सेट टू डिफाइन grounds under which the government can take action, it is not for a data protection. तो गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है सेक्शन 69A के अंदर में, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ डिफाइंस ग्राउंड बताता है जिसमें गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इससे, एंड इट इज़ नॉट फॉर अ डेटा प्रोटेक्शन, और ये डेटा प्रोटेक्शन के लिहाज से नहीं है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट इन द इश्यू ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द अनुराधा बसिन जजमेंट सेड वेरी क्लियरली दैट एनी ऑर्डर ब्लॉकिंग पीपल्स राइट टू लिबर्टी स्पेशली इन रिलेशन टू द इंटरनेट रिक्वायर्ड्स टू बी पब्लिश्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे कि अनुराधा बसिन जजमेंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बार इस समय इंटरनेट को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
ऐसा आप सबको पता है, आज एक साल लगभग हो गया 5 अगस्त को, जम्मू एंड कश्मीर में आज भी जो वहाँ की राइट्स है इंटरनेट की, वो अभी भी बंद है, इंटरनेट शटडाउन वहाँ पे कम्प्लीटली। तो उसमें कहा गया है कि उन सभी राइट्स को, खासकर वो जो राइट टू लिबर्टी को अगर वो करता है, हमारा अगर हर्ट करता है, राइट टू लिबर्टी को वायलेट करता है, तो उस केस में जो चीज़ें हैं वो लोगों से साझा की जाएंगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और फिर उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉकिंग लिस्ट इन इंडिया इज एक्चुअली शॉकिंगली लॉन्ग वन, परहैप्स टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वेबसाइट दैट हैज बीन ब्लॉक्ड ओवर अ पीरियड सिंस द लास्ट 1990s। तो जो वेबसाइट है जो ब्लॉक हो रही है, तो कुछ ही नया नहीं है, बहुत टाइम से चला रहा है, लगभग 1990 से लगभग 10,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, दैट इज नॉट अ पोजिशन इंडिया वॉन्ट्स टू बी इन, इंडिया नेवर वॉन्ट्स टू बी कंपेयर टू चाइना और अदर टोटलिटेरियन डेस्पोटिक रिजीम। और इंडिया का जो डिसीजन है, इसका इसको हमें चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि टोटलिटेरियन डेस्पोटिक रिजीम होता है, एक डेस्पोटिज्म होता है, एक सत्ता की लालच कह सकते हैं, और एक पावर का जो लोभ होता है कि हमें पावर चाहिए, बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए, तो उस तरह की ये डिसीजन को उस चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि बेसिकली हमें चाइना से चीज़ें कंपेयर नहीं करनी चाहिए। तो इतना ही था आज के हमारे चाइना वाले में, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला स्लाइड है, विंटर डीजल। देखते हैं विंटर डीजल क्या है। इंडियाज आर्म फोर्सेज में सून बी यूजिंग अ विंटर डीजल फॉर ऑपरेशन इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज सच एज लद्दाख वेयर विंटर टेम्परेचर प्लूमेट टू एक्सट्रीमली लो लेवल। कहने का मतलब कि जो इंडियन आर्मी हमारी, वो विंटर डीजल को इस्तेमाल करेगी हाई अल्टीट्यूड एरिया पे, यानी ऊंची जगहों पे जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। अब देखते हैं विंटर डीजल है क्या। सबसे पहली चीज़, तो व्हाट इज़ इट। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फॉर हाई अल्टीट्यूड रीजन एंड लो टेम्परेचर रीजन सच एज लद्दाख वेयर ऑर्डिनरी डीजल कैन बी अनयूजेबल। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है हमारी, उसने इसको बनाया है खासकर उन जगहों के लिए जो हाई अल्टीट्यूड एरिया होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे लद्दाख, वहाँ माइनस में चला जाता है तो चीज़ें जम भी जाती हैं, तो ऐसे जगहों के लिए IOC ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ऐसा विंटर डीजल बनाया है। व्हाई कांट वी यूज़ द रेगुलर डीजल, क्यों नहीं यूज़ कर सकते रेगुलर डीजल। द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर डीजल चेंज एट सच लो टेम्परेचर एंड यूजिंग इट मे बी डिटर्मिनल टू व्हीकल। तो जो हम नॉर्मल डीजल यूज कर सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे लो टेम्परेचर पे या ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे वो हो सकता है गाढ़े हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक ना रहे, थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो वो चीज़ें क्या होंगी, इंजन को ब्लॉक कर देगी, इसलिए हम रेगुलर डीजल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके फीचर में, विंटर डीजल कंटेन एडिटिव्स टू मेंटेन लोअर विस्कोसिटी सो दैट इट कैन बी यूज इन टेम्परेचर एज लो एज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा डीजल है जिसको लगभग कम से कम 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट हैज हायर सेंटेन रेटिंग, इसमें हायर सेंटेन रेटिंग होता है, एन इंडिकेटर ऑफ द कम्बशन स्पीड ऑफ अ डीजल एंड कंप्रेशन नीडेड फॉर इग्निशन। तो इसमें एक इंडिकेटर होता है जो कि कंबशन स्पीड को डीजल का होता है उसको बताता है, और इसमें कंप्रेशन जरूर रिक्वायर होती है, मतलब रिक्वायर्ड होता है कंप्रेशन ताकि उसको इग्नाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट हैज लोअर सल्फर कंटेंट विच वुड लीड टू अ लोअर डिपॉजिट इन इंजन्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो सल्फर कंटेंट है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो इंजन पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल जो भी उनमें रह जाता है, तो जो डिपॉजिट हो जाते हैं वो भी उसकी वजह से कम हो जाता है। तो इतना ही था हमारे विंटर डीजल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखते हैं क्या ये, सॉरी साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्केटिंग है। तो
इसमें है, चाइना हैज मेड अ टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्टर्न भूटान एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो जैसे चाइना हमेशा से एक चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी रही है, तो चाइना ने एक और एक्सपेंशन किया है, उसने जो भूटान का साक्तिंग वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर अपना हक जमाने की कोशिश की है, कहा है कि ये हमारे रीजन है, ये हमारे इस समय आता है। तो यह है कि सबसे पहले देखते हैं अबाउट साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन है इसका त्रिशांग डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न भूटान में आता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो डोकलाम इशू था वेस्टर्न भूटान में था, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न भूटान में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से की तरफ है। तो देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंस क्या क्या है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, नेक्स्ट स्लाइड में। तो सिग्निफिकेंस है, इट इज लिस्टेड एज अ टेंटेटिव साइट इन भूटान, टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को इंक्लूजन, यानी कि इसको यूनेस्को के लिस्ट में टेंटेटिव में रखा गया, अनुमानित है कि कभी ना कभी उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का क्या रोल है। तो उसमें सबसे पहला, इट इज अ ट्रस्ट फंड एस्टैब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। जैसा हमको पता है जो GEF है हमारा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये 1992 में रियो समिट में आया था। एम टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। GEF का मुख्य उद्देश्य ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विथ इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन मतलब कि उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रही हो, तो ऐसे कंट्रीज की इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में मदद करने का काम GEF करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके ट्रस्टी कौन कौन है, तो सबसे पहला वर्ल्ड बैंक एज सीवियर एज द GEF ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटिंग द GEF ट्रस्ट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द डोनर्स। जो भी डोनर्स पैसा देते हैं तो वो पैसा जो GEF में जाता है तो उसका ट्रस्टी यानी उसके देख रेख का काम वर्ल्ड बैंक करता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या क्या है। तो GEF इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर अ मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन। तो एक सिर्फ एक ही एजेंसी का नहीं, बहुत सारे जो एनवायरमेंट से जुड़ी एजेंसीज हैं, जो चीज़ें हैं कन्वेंशन से एग्रीमेंट हुए तो उनको भी ये फंडिंग करता है। जैसे मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, मरकरी पर जो मिनामाटा कन्वेंशन हुआ था हमारा जापान में, उसको भी वो भी इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम का जो पॉप्स पे हुआ था यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे, तो उसको भी ये भी उसी मैकेनिज्म के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसा आप सबको पता होगा ये भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा UNCCD यानी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और लास्ट है हमारा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो कन्वेंशन हो रहे हैं वो भी इसी फंडिंग मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं हम अगले अपने वीडियो में।